हम लोग सेल चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम तक पढ़ रखा था। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है आइए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वैसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर चूंकि डबल मेम्ब्रेन होता है तो यह यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, यह हमेशा याद रखिएगा आप लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो डिस्कवरी किया गया था, वो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पोर्टर। उन्होंने 1953 में डिस्कवरी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इनका पूरा नाम था केथ पोर्टर। उन्होंने 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किया था, खोजा था टिश्यू कल्चर से। वो आगे कहीं मौका मिलेगा तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ द पोर्टर डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, होता क्या है, मैं एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करिए ये कोई न्यूक्लियस है। वी नो वेरी वेल कि न्यूक्लियस जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक एंड होता है, फर्स्ट एंड, वो न्यूक्लियस के वॉल से अटैच होता है। एंड सेकेंड एंड जो है वो कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है। अगर यहाँ कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता तो ये इससे अटैच होता, और नहीं तो ये नहीं भी अटैच हो सकता है। आप बहुत से डायग्राम में देखिएगा कि बीच में रुक गया है। ओके, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका याद रखना टॉपिक को आप लोग, कि एक एंड जो है वो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और अनदर एंड जो है वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये इसके बॉडी के ऊपर कहीं कहीं पर ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और इसी राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के हैं। ठीक है, इफ द राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that type of endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. And अगर उस किसी surface पे ribosome present नहीं है, that means they are called smooth endoplasmic reticulum. बहुत आसान है समझने के लिए, याद रखिएगा भाई, अगर ribosome है आपका, एक ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज करिए सरफेस के ऊपर कुछ हल्का सा कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट्स है, तो वो हल्का रफ हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। इस वजह से एंडोप्लाज्मिक का नाम रखा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम उस सरफेस पे नहीं है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो स्मूथ है, तो उसका नाम रखा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, जो फ्लूड होता है, फ्लूड बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन, ल्यूमेन। ठीक है, जो इसके अंदर फ्लूड होते हैं, याद रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग राइबोसोम में जब पढ़ेंगे तो डिटेल जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि राइबोसोम जो है एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सब यूनिट्स होते हैं, जिसका डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पैलेट। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और अगर वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, और अगर वहां तो उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर उसके सरफेस पे प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो सिंथेसाइज करेगा लिपिड का। ओके, लिपिड का सिंथेसाइज करेगा।
यहाँ तक मैं आपको बेसिक पता होगा चला होगा कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हम लोग कि जो राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होता है एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल के अंदर टू टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। देयर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम व्हिच आर प्रेजेंट ऑन यूकैरियोटिक सेल। नंबर वन इज द 70S टाइप एंड नंबर टू इज 80S टाइप। ये 70S और 80S क्या है, ये इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग राइबोसोम के टाइप्स होते हैं। तो ये 80S टाइप का राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, 80S टाइप का। यहाँ पर जो भी राइबोसोम आपको दिख रहा है ये सारा राइबोसोम 80S टाइप का होगा, ठीक है। 70S टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक बॉडी में, यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या ब्लास्टिड में हो सकता है, होता है, ठीक है, याद रखना स्ट्रॉन्ग था हम लोग। और बाकी जहां पर है वहां पर 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अभी 80S क्या है, जिसके अंदर दो सब यूनिट होता है, वो हम लोग आगे फर्दर राइबोसोम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वह हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जिनका बेसिकली काम होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, और वो प्रोटीन आगे जो है फर्दर प्रोसेस में हेल्प करता है। और ये प्रोटीन आगे जो है वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में पढ़ रखा है कि वो गॉल्जी बॉडी के पास जाता है, गॉल्जी बॉडी फर्दर प्रोसेस करता है, उसके साथ अगर ग्लूकोज को अटैच करता है, ग्लूकोज को अटैच करता है, पैकेजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पैकेजिंग करता है, और अगर लिपिड अटैच करता है लिपिड को अटैच करेगा, और फाइनली उसको सेल के दूसरे ऑर्गेनेल के पास भेजेगा प्रोसेस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली कितने सारे फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं। और ये बिल्कुल याद रखना, आपको हमेशा याद रखना है कि ये सारा काम जो हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है, या फिर जहाँ पर राइबोसोम नहीं है वहाँ पर लिपिड का सिंथेसाइज हो जा रहा है, ये काम खुद ब खुद नहीं होगा। इस काम को करने के लिए इंजाइम्स चाहिए होते हैं, और ये इंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होता है, जैसे आपका एटीपेज नाम के इंजाइम्स होगा, जैसे आपके NADH, आपका फॉस्फेटेज नाम के इंजाइम्स होगा, ठीक है। तो ये सब तरह के जो है इंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो आपका प्रोटीन सिंथेसाइज या फिर लिपिड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ओके। इसका बेसिकली आपको तो फंक्शन समझ पहले आ ही रहा है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका सेकंड फंक्शन जो है वो लिपिड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो लिपिड क्या करेगा भाई, बाद में हॉर्मोन्स या स्ट्रॉयडल हॉर्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, जो सेल के डिफरेंट फंक्शन में काम करेंगे, स्ट्रॉयडल हॉर्मोन बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल को बनाने में हेल्प करता है, जैसे गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इन सभी सेल ऑर्गेनेल को बनाने में भी हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देगा, इसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच है, अनदर एंड इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच होने की वजह से ये एक सेल को एक सपोर्ट देता है, ताकि सेल के सब्सटेंस जो है या उसको जो साइटोप्लाज्म है वो सही से काम करे, डिस्टर्ब ना हो सके। अगर ये नहीं होता तो वो सड़ जाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इसको और डिटेल में हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि इट ऑल्सो हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये, ओके। तो ये आपका 5 पॉइंट है फंक्शंस का, आप याद रख सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपका देखेंगे गॉल्जी एपरेटस।
अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।